रिद्धि सानन ने फिल्म को किया है रिजेक्ट। हाल ही में कौन सी एक्ट्रेस को किया गया है अप्रोच? क्या सुपर हीरो के अलावा इस इंस्टॉलमेंट में नजर आएंगे सुपर हीरोइन? दोस्तों क्रिश फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट 2013 में आई क्रिश 3 इंडियन हिंदी लैंग्वेज की सुपर हीरो फिल्म है और अब हाल ही में इसके अगले इंस्टॉलमेंट के आने की खबर हर ओर से मिल रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2013 में रिलीज हुई सुपरस्टार ऋतिक रोशन की हिट फिल्म क्रिश की फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्रिश 4 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। और दोस्तों आज हम इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। ऋतिक रोशन की क्रिश 4 पिछले कुछ सालों में सुर्खियां बटोर रही है। दोस्तों बता दूं कि एचआर फैंस फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये बताया गया है कि कृति सानन को चौथे इंस्टॉलमेंट के लिए संपर्क किया गया था। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि हीरोपंती एक्ट्रेस के पास फिलहाल काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस कारण दोस्तों उन्हें इसे आगे पास करना पड़ा। अंदाजा लगाइए कि फिल्म की चौथी आई इंस्टॉलमेंट के लिए फिर किसे अप्रोच किया गया है। ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों कबीर सिंह एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है। वहीं कियारा शुरू से ही फिल्म की फर्स्ट चॉइस थी क्योंकि दोस्तों वो न केवल सुंदर हैं बल्कि रियलिटी में एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। साथ ही ऋतिक के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी फ्रेश होगी। अभी फिलहाल में रोशन परिवार कियारा के साथ इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं और फिर दोस्तों किया जा रहा है अंतिम फैसला। फिर दोस्तों इस बीच कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मुंबई अपार्टमेंट से बाहर निकलते देखा गया। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कियारा उस बिल्डिंग से बाहर आती हैं जिसमें सिद्धार्थ रहते हैं। दोस्तों उन्हें लाइम ग्रीन ट्यूब टॉप और ब्लैक मास्क पहने हुए देखा जा सकता है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और फैंस उन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में उनका कहना है कि वो शादी होने तक सिंगल हैं। दोस्तों रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, तो मुझे रियलिटी में ये स्टेटस पसंद है जहाँ मैं हूँ और मैं शादी होने तक सिंगल हूँ। वैसे तो कियारा सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिलेशनशिप की खबरें किसी से छुपी नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी तक इन दोनों स्टार्स ने इस रिपोर्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इस बीच ऋतिक अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ प्रशंसकों के साथ अपनी बातें शेयर करते रहते हैं और दोस्तों उन्हें अपने परिवार के साथ अपनी एक्टिविटी के बारे में अपडेट रखते हैं। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाली इंडियन सुपर हीरो की ब्लॉकबस्टर फिल्म के फोर्थ इंस्टॉलमेंट में किसी सुपर हीरोइन को देखने के लिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर हैं जूही।